ऑटोप्सी फाइंडिंग स्पेसिफिक पैथोलॉजिकल फाइंडिंग आएंगी, ठीक है। होमिसाइडर जिसमें आपको इन दैट केसेस इफ ही और शी इज नॉट सीडेटेड यू कैन हैव दिस काइंड ऑफ स्ट्रगल्स, यू कैन हैव एब्रेशंस, ब्रूजेस, ठीक है, इन द रीजंस ऑफ मा। स्पेसिफिकली क्या होता है, हमें बाहर से कई दफा फाइंडिंग्स नजर नहीं आ रही होती, बट इन दैट केसेस मदरिंग में भी जब आप इंटरनल माउथ की फाइंडिंग देखते हो तो इन दैट वहाँ पे आपको ब्रूज भी नजर आ जाते हैं, वहाँ पे छोटी छोटी लेसिरेशंस भी नजर आ रही होती हैं, बिकॉज ऑब्वियसली प्रेशर ने अंदर तो फाइंडिंग्स दी है ना, अगर एक्सटर्नली नहीं दी है, ठीक है। दे ऑल्सो एब्सेंट इफ द सॉफ्ट मटीरियल एक्सटर्नली मोस्ट ऑफ द टाइम एबसेंट ही होती हैं, जितने केसेस हम देखते हैं हमें कभी एक्सटर्नली स्मदरिंग में फाइंडिंग्स नहीं मिली। इंजरीज आर इन साइड ऑफ द लेप, ठीक है, ये सारे प्रेशर से एज ए टोल्ड यू ये सब आपको मिलेंगी, ठीक है। ये देखो अब ये टिपिकल केस है जहाँ पे स्मदरिंग हुई हुई है बेबी की, और ये आप देखो कि इंटरनली आपको माउथ के अंदर प्रेशर से आपको ब्रूज भी लग रहा है, आपको थोड़ी ब्लीडिंग भी नज़र आ रही है, और बाकी पर्टिकल हैमरेज वो सब आपके जो टिपिकल एस्फिक्सिया की फाइंडिंग्स हैं वो बच्चे के अंदर नजर आएंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब आ गया इतने भी एब्सेंट, वही बात आ गई, पैसेजेस। अच्छा, अब इसमें ये हैं, दीज आर ऑल वो जो मैंने आपको कहा है कि टिप्स पे आपके होनी चाहिए, नॉन स्पेसिफिक। वो सफोकेशन था, स्मदरिंग था, गैगिंग, चोकिंग, वट एवर द केसेज, दीज नॉन स्पेसिफिक फाइंडिंग्स आर ऑलवेज देयर टू डिटर्मिन यू दैट द कॉज ऑफ द डेथ इज, और द मोड ऑफ द डेथ इज कॉज ऑफ वट एवर एंड मोड इज एस्फिक्सिया बेसिकली, ठीक है। ये देखो ये आपके सारे के सारे टार्डियो स्पॉट्स या पर्टिकुलर हेमरेजेस आउटसाइड भी हैं और इंटरनल भी हैं। इनका नाम टार्डियो स्पॉट क्यों था, जो पुलिस सर्जन था जिसने सबसे पहले पिटिकल हेमरेजेस को डायग्नोज किया था उसका नाम टार्डियोस था, तो दैट इज़ वाई कि उसको ये कहते हैं।